हम तो बता चुके हैं सीधे फांसी, ये बतावें क्या करेंगे। और मुझे आज भी न्यायपालिका को पर भरोसा है, पहले भी था आज भी है। मैं तो कह चुका हूं कि जिस दिन मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित हो जाएगा, एक भी घटना साबित हो जाएगी, मैं सीधे प्राण दे दूंगा। ये बताओ क्या प्राण देंगे। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सरन सिंह, WFI के पूर्व अध्यक्ष, ऐसे में महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यहां पर कई बड़े गंभीर आरोप बृजभूषण सरन सिंह पर लगाए। यौन शोषण के आरोपों में घिरे हुए बृजभूषण सरन सिंह अभी भी यहां पर बेखौफ बोलते हुए नजर आते हैं। बृजभूषण सरन सिंह यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस तमाम तरीके से सबूत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करती है, बाकायदा वीडियो भी दिखाया जाता है, लेकिन बृजभूषण सरन सिंह यहाँ पर टस से मस नजर नहीं आते। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, देखिए जरा। कहना है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ और बृजभूषण को जेल में भेजेंगे। देखिए, अब तो सब विषय निकल करके पहुंच चुका है न्यायपालिका के पास, और न्यायपालिका की प्रक्रिया पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यायपालिका से भी बड़े हैं, वो न्यायपालिका से बड़े हैं, इस देश की पार्लियामेंट से बड़े हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अब न्यायपालिका करेगी। अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, चार्जशीट पुलिस ने लगाई है, मैंने उस चार्जशीट को चैलेंज किया है, अभी मेरे ऊपर केस चल नहीं रहा है। चार्जशीट पुलिस ने लगाई है, उस चार्जशीट को हमने चैलेंज किया है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। अब अदालत में क्या कहना है, यह अदालत में कहने का विषय है, यहां का नहीं है, क्योंकि मीडिया ट्रायल करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन देश जान चुका है। आप बार बार ये कहते थे कि ये स्पॉन्सर्ड है कहीं ना कहीं से। यस, दीपेंद्र हुड्डा का भी। यस, तो क्या मंशा हो सकती है? यस यस, कौन लोग हैं इसमें? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुछ उद्योगपति भी हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता था, जो कुश्ती को मनमाने ढंग से चलाना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं। मैं केवल, देखिए, मैं कुश्ती की पूजा करता हूं, और दुनिया इस बात को मानेगी, मान भी रही है, दुनिया इस बात को मानेगी कि हमने कुश्ती को दिल से प्यार किया है, और हिंदुस्तान के अंदर हमसे पहले भी अध्यक्ष हुए हैं और हमारे बाद भी अध्यक्ष होंगे, लेकिन जो काम मैंने कुश्ती के लिए किया है, जो संसाधन जुटाए हैं, जितना सम्मान दिया है, जितना प्यार दिया है, मेरा इतिहास कुश्ती में लिखा जाएगा। अच्छा सांसद महोदय, जिस तरह से जो विवाद रहा है, खासतौर पर जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या पीछे के फोटोज देखते हैं, जो इल्जाम लगाने वाले प्लेयर हैं वो आपसे बड़ी शालीनता के साथ मिल रहे हैं, गलबगिया कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि इतने संगीन आरोप आप पर लगाते हैं, चाहे उसमें साक्षी हो और दूसरे प्लेयर हो? देखिए, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें किसी लड़की का नाम नहीं है, कोर्ट ने भी रोका हुआ, ABC करके चलता है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है, इन्होंने लगाए हैं, इनके स्वार्थ हैं, और अब तो इनके कहने से ना मैं दोषी होने वाला हूं, ना इनके ना कहने से मैं दोषी होने वाला हूं, अब तो अदालत के पास है, और मैंने स्वयं कहा था कि जिस दिन एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा, उस दिन स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, आज उस बात पर कायम हूं। अब ये बतावें क्या करेंगे, हम तो बता चुके हैं सीधे फांसी, ये बतावें क्या करेंगे। और मुझे आज भी न्यायपालिका को पर भरोसा है, पहले भी था आज भी है। मैं तो कह चुका हूं कि जिस दिन मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित हो जाएगा, एक भी घटना साबित हो जाएगी, मैं सीधे प्राण दे दूंगा। ये बताओ क्या प्राण देंगे। आज अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक कोई वीडियो वायरल हुआ है और
उसमें मैं किसी खिलाड़ी का बयान सुन रहा हूं, उसमें खिलाड़ी कुछ बोलते हैं कि ऐसे बिना समझे किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत गलत होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिना सोचे समझे आरोप लगाना बहुत गलत होता है, निराधार आरोप लगाना बहुत गलत होता है। लेकिन मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या किया? कुछ बातें अदालत की हैं, अदालत में कहूंगा, यहां नहीं कह सकता। दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। और मैंने एक कविता पढ़ी थी कि इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं जूनियर बच्चों के साथ खड़ा हो गया, कमजोर बच्चों के साथ खड़ा हो गया कि भाई आपको तो वर्ल्ड का मेडल मिल चुका, आपको जो है एशियन गेम्स का मेडल मिल चुका, आपको जो है ओलंपिक का मेडल मिल चुका, तो क्यों बिना ट्रायल को आपके भेजा जाए? ये हिंदुस्तान के बाकी बच्चे क्या घास छी लेंगे? इनके मां बाप कर्जा लेकर के इनको पहलवानी कराते हैं, कर्जा लेकर के इनको पहलवानी कराते हैं, रिश्तेदार नातेदार मिलकर के पहलवानी करते हैं। आपके हरियाणा में तो अखबार वाले स्पॉन्सर करते हैं, मैं जानता हूं अमर उजाला ने कई खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया है, अखबार वाले स्पॉन्सर करते हैं। और आप, वाह साहब अच्छा नियम है, पहले हम इन 8 बच्चों को लड़ा दें, जब जब शाम को थक जाएं तो आपको अकेले हम लड़ा दें, तो आप ही जीतोगे। देखिए एक समय था हिंदुस्तान के अंदर कि एक स्टार पहलवान पैदा होता था तो कम से कम 7 साल 8 साल चलता था। और मेरा सपना था कि मैं एक एक वजन में 5-5, 7-7 स्टार पैदा करूंगा, 5-5, 7-7। बाई चांस किसी को चोट लग जाए, बाई चांस कोई बीमार हो जाए, तो ऐसा ना हो कि हम खाली आवें। वो काम मैंने कर दिया था, 5-7 नहीं तो 3-4 हर वजन में मैंने खड़ा कर दिया था, और इनको खतरा पैदा हो गया। आज चलिए ये एशियन गेम्स में जा रहे हैं, चलिए जा रहे हैं भाई, सरकार एडहॉक कमेटी भाई आपका दबाव मानती है, क्योंकि पूरे हरियाणा के जाट वोट आपके मुट्ठी में हैं, जहां आप कहोगे वही जाट वोट देंगे, और नहीं तो जाट वोट नहीं देंगे, आप सरकार गिरा दोगे। तो एडहॉक कमेटी गलत निर्णय ले रही है। तो चलो आप बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत बड़े तीरंदाज हो, तो ट्रायल देने में क्या दिक्कत है? अब कहते हो कि मैं लौट करके आऊंगा तो ट्रायल दूंगा, अरे लौट करके आओगे कौन तुम्हारा ट्रायल लेगा? क्या जरूरत है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को देने की? अगर हिम्मत थी तो पहले ट्रायल देते, आते ये कुश्ती लड़ लेते। आज विभूषण सिंह को बैठ करके गाली देते हो, जहां पाते हो विभूषण सिंह को तो आप लोगों ने चपरासी बना दिया है, हमको तो ऐसा बना दिया जिसकी इच्छा हो जब गाली दे, गाली दे रहे हैं। आप बताओ हरियाणा वालों को क्यों नहीं लड़े, आप क्यों झूठ बोल करके भाग गए? तो एक समय था कि एक स्टार होता था, मैंने ऐसा कर दिया कि एक एक वजन में 3-3, 4-4, 5-5 स्टार। एक समय मुझे याद है कि वर्ल्ड में हमारी एक टीम गई थी जूनियर की, वो 17-18 मेडल लेकर के आई, और 20 रोज हमने ट्रायल कराया, 18 में से 17 हार गए, दूसरे बच्चे चले गए और वो मेडल लेकर के चले आए। तो हमारा एक सपना था कि जैसे अन्य देशों में होता है, रसिया है, ईरान है, जो होता है कि जैसे एक नहीं बाई चांस किसी खिलाड़ी की तबीयत खराब हो जाए, चोट लग जाए, तो क्या देश खाली जाएगा? वो काम मैंने किया था। और इनका ये है कि एक ही स्टार रहेंगे, ये यही सबसे स्पॉन्सर होंगे। अब ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान को लेकर और दिल्ली पुलिस के इस कदम को लेकर ये देखा जा रहा है कि जो 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होती हुई नजर आएगी, क्या इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तय मानी जाए? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने खुद कहा है कि अब तो यहाँ पर पक्के सबूत है, अब यहाँ तो साबित भी हो गया है कि जब तकाजिस्तान में टूर्नामेंट हुआ था उस दौरान कैसे एक पहलवान के पेट पर हाथ रखते हुए नजर आए थे, कैसे गले मिलते हुए नजर आए थे बिना अनुमति के, और ये कहते हुए नजर आए थे ये करना बहुत जरूरी है, मैं एक पिता के समान कर रहा हूँ, कोच के समान कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही नजर आता है। तो वैसे में महिला पहलवान खिलाड़ियों ने जो बड़े आरोप लगाए थे वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर साबित करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अगली सुनवाई तक गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।